हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो एक नई वीडियो के साथ मैं आप सबको वेलकम कर रही हूँ दोबारा से मेरे चैनल पे। तो जैसे कि आपको स्क्रीन पे दिख रहा है, हम लोग पहुँच गए हैं भुवनेश्वर के सम अल्टीमेट हॉस्पिटल के पास एंड ये है सोआ यूनिवर्सिटी और शिक्षा अनुसंधान यूनिवर्सिटी का कैंपस 2 का गेट। तो उसी के सामने हम लोग अभी हैं और वहाँ पर हमें दिखा एक स्टॉल जहाँ पे ये भैया हमें दिखे फ्रेंच फ्राइज बनाते हुए। लेकिन फ्रेंच फ्राइज स्ट्रीट में तो आपको क्या लगता है, सेफ ओनली होटल्स में नहीं होते, सेफ स्ट्रीट में भी होते हैं जो कि बहुत अच्छा खाना बनाते हैं। और ऐसे ही एक एग्जांपल है ये वाले भैया जो यहाँ पे 30 डिफरेंट फ्रेंच फ्राइज बना रहे हैं, 30 डिफरेंट फ्रेंच फ्राइज ऑन स्ट्रीट। कैन यू बिलीव दैट? सो गाइज, यहाँ पे बहुत ही अच्छे फ्रेंच फ्राइज मिल रहे हैं, यहाँ पे लिखा गया है। और फ्रेंच फ्राइज का प्राइस यहाँ पे 30 रुपीज से स्टार्ट है। आपको दिख ही रहा होगा कि कितने सारे वैरायटीज के फ्रेंच फ्राइज हैं। वेज तो होता ही है, उसके साथ साथ यहाँ पे नॉन वेज भी मिलता है। नॉन वेज फ्रेंच फ्राइज आपने कभी नहीं खाया होगा, यहाँ पे नॉन वेज भी मिलता है विथ चिकन। तो यहाँ पे एक यूनिक स्टाइल आज हम लोग एक्सप्लोर करेंगे। तो चलिए देखते हैं और यहाँ पे क्या क्या वैरायटीज के फ्रेंच फ्राइज प्रेजेंट है एंड कैसा टेस्ट है, ये आज हम लोग एक्सप्लोर करेंगे। तो यहाँ पे फ्राई किया जा रहा है पोटैटोज को जो कि फ्रेंच फ्राइज बनेंगे। तो ये है प्रिलिमिनरी स्टेज ऑफ फ्रेंच फ्राइज। एक बार पोटैटो को फ्राई करने के बाद दोबारा से उसे डीप फ्राई किया जाएगा फ्रेंच फ्राइज के लिए। तो यहाँ पे दोनों वेज नॉन वेज आपको मिल जाएगा, लेकिन दोनों अलग अलग से फ्राई किया जाता है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है वेज नॉन वेज में। यहाँ पे पूरे रेस्टोरेंट स्टाइल का फ्रेंच फ्राइज मिल जाएगा। मैं तो बोलती हूँ कि रेस्टोरेंट से ज्यादा वैरायटीज का फ्रेंच फ्राइज यहाँ पे मिल जाएगा। इतने वैरायटीज के फ्रेंच फ्राइज आपने कभी ट्राई नहीं किया होगा। तो यहाँ पे फर्स्ट टाइम फ्राई करके पोटैटो को रख दिया है भैया ने। इसको डबल फ्राई किया जाएगा, डीप फ्राई किया जाएगा इस तरह से। ये हमारा फाइनल वाला फ्रेंच फ्राइज है। आप यहाँ पे पेरी पेरी फ्रेंच फ्राइज खाना चाहते हो तो ये यहाँ पे बन रहा है अभी। बहुत सारे मसाले इसमें जाते हैं, वो सारे मसाले सीक्रेट है, इसको हम लोग रिवील नहीं कर सकते। और यहाँ पे बहुत अच्छे से भैया बना रहे हैं। बहुत सारे वैरायटीज के आपको मिल जाएंगे। तो यहाँ पे जो चलता है ज्यादा, सारे वैरायटीज का चलता ही है, लेकिन पेरी पेरी लोग ज्यादा मांग रहे थे। मोजरेला लोडेड करके एक है, वो भी जा रहा है। तो आप आके कुछ दूसरा वाला नया चीज भी ट्राई कर सकते हो। इसमें मेयोनीज भी था, सॉस भी था और मसाले भी था। और इसका टेस्ट मतलब एकदम फर्स्ट क्लास था, बहुत ही टेस्टी था। तो हमने ऑर्डर किया था मोजरेला लोडेड फ्रेंच फ्राइज और वेज में ही था। तो अभी ये हमारा बन रहा है। वैसे ही ढेर सारे मसालों के साथ उन्होंने अभी इसको मिक्स कर दिया पोटैटोस को। उसके बाद इसमें भर भर के चीज डाला जा रहा है। मतलब अगर आप मोजरेला लोडेड ले रहे हो तो इसमें जिसको चीज पसंद है इसके लिए ये तो बहुत ही अच्छा ऑप्शन है। इसमें बहुत भर भर की चीज आपको दिख ही रहा है और चीज को मेल्ट करने के लिए इन्होंने यहाँ पे ब्यूटेन टर्च का यूज किया था। तो चीज मेल्ट हो रहा है, इसमें आपको चीज का फ्लेवर भी आएगा, उसके साथ साथ तंदूर का फ्लेवर भी आएगा। तो सारे मिक्स फ्लेवर आपको यहाँ पे मिल जाएगा। उसके ऊपर उन्होंने मेयोनीज डाला और इसके बाद इसमें सॉस डाला जाएगा, फिर हमारा रेडी हो जाएगा मोजरेला लोडेड फ्रेंच फ्राइज। तो यहाँ पे टोमेटो सॉस डाला गया अभी। उसके बाद ग्रीन चिली सॉस, मेयोनीज डाला गया, चीज, देन रेड सॉस, ग्रीन सॉस और उसके ऊपर ढेर सारे मसाला दोबारा से डाला गया। और ये हमारा रेडी है मोजरेला लोडेड वेज फ्रेंच फ्राइज। अगर आपको नॉन वेज चाहिए तो ये आपको चिकन के साथ भी मिल जाएगा। तो इसका टेक्सचर
शायद आपको दिख ही रहा होगा स्क्रीन पे, एंड चीज तो इतना भर भर के था, आपको पूरा दिख ही रहा होगा। एंड इसका टेस्ट बहुत 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 अच्छा था। एक बार आप यहाँ पे आके जरूर ट्राई कीजिए तो आपको बार बार आने का मन जरूर करेगा। तो ये है पूरा इसका लोकेलिटी, जैसे कि मैंने बताया कि सम अल्टीमेट के पास ही है और कैंपस 2 सोआ यूनिवर्सिटी के गेट के पूरा सामने ही आपको मिल जाएगा। और जैसे ही शाम होता जाएगा यहाँ पे भीड़ बढ़ता जाएगा स्टूडेंट्स का, और बहुत सारे बाहर से भी लोग आते हैं। तो इसके दौरान हमने भैया से भी थोड़ा बात किया था जो यहाँ पे बना रहे थे फ्रेंच फ्राइज। तो चलिए सुनते हैं भैया क्या बोलते हैं। मैं आपका नाम बता दीजिए। मेरा नाम पपेश कुमार प्रधान है। आप कहाँ से हैं बेसिकली? एक्चुअली मैं उड़ीसा का भुवनेश्वर पुरी से हूँ, जो कोणार्क, एक्चुअली मैं कोणार्क से हूँ। हाँ। जो पता है कोणार्क कैसा वो वर्ल्ड फेमस है एक्चुअली। हाँ। वहाँ से बेसिकली मैं बिलोंग करता हूँ। तो ये फ्रेंच फ्राइज का स्टॉल यहाँ पे कितने दिनों से है? ये अभी अभी स्टार्ट किया, मतलब दो महीना ढाई महीना हुआ मैक्सिमम। अच्छा। तो कैसे आइडिया है कि फ्रेंच फ्राइज का एक स्टॉल डालना है और फिर इतने सारे वेराइटी के साथ? एक्चुअली मैं एक कॉन्टिनेंटल सेफ हूँ, जो 2014 से काम कर रहा हूँ इंडिया, मतलब मुंबई में काम कर रहा था होटल में, रेस्टोरेंट में, अच्छा खासा रेस्टोरेंट में, अच्छा खासा होटल में, फाइव स्टार होटल में काम कर रहा था। तब भी मेरा दिमाग कोरोना के वजह से अभी जॉब सब गया, तो फिर अभी मतलब मज़ा ही नहीं आया कभी काम करने में, किसी का अंडर में काम करना हो। तो इसीलिए हम लोग मतलब सोचा कि कुछ नया करते हैं, तो इसीलिए हम लोग अभी 30 टाइप का खाली फ्रेंच फ्राई शुरू किया है, अभी चल रहा है बस। सबसे ज़्यादा कौन सा वाला चल रहा है अभी? तो सब चल रहा है, पेरी पेरी चल रहा है, फिर अपना बेजल पेस्ट तो वो भी चल रहा है, फिर चीज़ वाला चल रहा है जो मोजरेला लोडेड दे रहे हैं हम लोग, वो भी चल रहा है, नॉनवेज भी चल रहा है अभी। नॉनवेज पहले अभी कोई मतलब इतना पसंद नहीं कर रहा था, क्योंकि फ्रेंच फ्राई नॉर्मली फ्रेंच वेज रहता है, तो हम लोग नॉनवेज भी उसको टच दिया है। अभी हम लोग का सोच है कि अभी 100 टाइप का फ्रेंच फ्राई बनाए, फिर उसमें क्राब का डालें, फिर प्रॉन्स का डालें, फिश डालें, ऐसा सब डालने के लिए अभी सोचा हुआ है। अभी जो नॉनवेज का फ्रेंच फ्राइज बना रहे हैं उसमें क्या रह रहा है, नॉनवेज में क्या? बेसिकली नॉनवेज में चिकन रह रहा है, चिकन फिंगर जैसा, सेम टाइप चिकन फिंगर आप जो रेस्टोरेंट में, अच्छा अच्छा रेस्टोरेंट में मिल रहा है ना, तो वो दे रहे हैं, और बहुत सस्ता मतलब नेगोशिएटेड प्राइस में दे रहे हैं हम लोग इधर। तो स्टार्टिंग प्राइस यहाँ पे कितना है? अभी 30 रुपीज़ से स्टार्टिंग होता है। 30 रुपीज़? हाँ जी। तो पब्लिक रिस्पॉन्स कितना कैसा रह रहा है? पब्लिक तो सबको तो वाव रहता है बेसिकली। जैसे कि आपका सॉम हॉस्पिटल के सामने ही है, तो स्टूडेंट्स आते हैं या फिर और डॉक्टर्स वगैरह भी कभी कभी आते हैं? हम लोग का बेसिकली बहुत सारा स्टूडेंट रहते हैं, डॉक्टर भी बहुत सारा रहते हैं, और बाहर से ही पब्लिक अभी धीरे धीरे आना चालू किया है। पहले तो आते नहीं थे ज़्यादा, अभी बाहर से ही पब्लिक आना चालू किया है। ठीक है फिर, थैंक यू। तो जैसे कि भैया ने बताया वो एक कंटिनेंटल सेफ है, उन्होंने बहुत सारे जगह पे काम किया है जो कि उनके खाने के प्रेजेंटेशन में और खाने की क्वालिटी में नज़र आता है। एक बार अगर आप यहाँ पे आके खाओगे तो आपको पता चल जाएगा। और जैसे कि मैंने बताया था कि यहाँ पे आपको नॉनवेज फ्रेंच फ्राइज में मिलेंगे, तो भैया यहाँ पे वही बना रहे हैं। ये चिकन फिंगर्स जैसे बाहर आप खाते हो वैसे ही चिकन फिंगर्स के साथ आपको फ्रेंच फ्राइज मिलेगा। तो अभी चिकन फिंगर्स को फ्राई किया जा रहा है, बहुत अच्छे से कड़क से फ्राई करने के बाद अभी भैया बनाएंगे चिकन पेरी पेरी। और चिकन पेरी पेरी में यहाँ पे जो मसाले डाले जा रहे हैं और जो भी सारे मसाले यहाँ पे यूज़ किया जाता है वो खुद भैया बनाते हैं, और ये इनका स्पेशलिटी है कि सारे मसाले ये खुद बनाते हैं। तो यहाँ पे वही चिकन पेरी पेरी का मसाला डाला जा रहा है, ये एक मेक्सिकन मसाला है सबको पता होगा। एंड सारे टेस्ट इनका बहुत अलग है, टेस्ट बहुत ही अच्छा है, जैसे आप रेस्टोरेंट में खाते हो पूरा वैसे ही आपको यहाँ पे मिलेगा, उससे अच्छा मिलेगा और अच्छे क्वालिटी का मिलेगा, क्वांटिटी भी अच्छा है, एंड प्राइसिंग वॉज वेरी रिजनेबल। तो आप लोग यहाँ पे जरूर 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 जाइए। और उसके ऊपर मेयोनीज भी डाला गया अभी, फिर सॉस डाला गया टमाटो सॉस, और ये हमारा रेडी हो गया था चिकन पेरी पेरी। जो इससे पहले हमने मोजरेला लोडेड फ्रेंच फ्राइज खाया था वो हमें 100 रुपीज का पड़ा था, एंड ये था 40 रुपीज का। और यहाँ पे बन रहा मोजरेला लोडेड फ्रेंच फ्राइज नॉनवेज वाला। अगर आप मोजरेला लोडेड फ्रेंच फ्राइज नॉनवेज वाला खाओगे तो यहाँ पे आपको दोनों मिलेंगे, फ्रेंच फ्राइज में मिलेंगे, उसके साथ चिकन फिंगर्स भी मिलेंगे। और जैसे ही चीज़ वगैरह डाला गया था पहले उसी तरह से ही चीज़ वगैरह डाला जाएगा। और यहाँ पे इवनिंग होते ही आपको सारे स्टूडेंट्स दिखेंगे, बाहर के लोग दिखेंगे, बहुत भीड़ रहता है यहाँ पे। तो देखिए भैया कैसे बना रहे हैं, पहले उन्होंने फ्रेंच फ्राइज में सारे मसाले वगैरह डाल दिए, उसके बाद चिकन को फ्राई किया, चिकन में भी मसाला गया दोबारा से, और उसके ऊपर ही डालेंगे। अभी फ्रेंच फ्राइज के ऊपर चिकन रखा जा रहा है।
इतना ज्यादा चीज तो आपको रेस्टोरेंट में नहीं मिलेगा, अगर मिलेगा भी उसके लिए एक्स्ट्रा प्राइस आपको पे करना पड़ेगा। तो अभी चीज को मेल्ट किया जा रहा है ब्यूटेन टॉर्च के थ्रू। बहुत ही अच्छा फ्लेवर था, तंदूर का फ्लेवर भी था जैसे मैंने बताया, और चीज का फ्लेवर तो आ ही रहा था। तो ये आप जरूर ट्राई कीजिए यहाँ पे आके, और 30 डिफरेंट वेराइटीज का है तो आपका मन, आप कोई भी ट्राई करो आपको अच्छा ही लगेगा। और मेरे साथ अपना एक्सपीरियंस शेयर करना ज़रूर, क्योंकि हमने तो सारे वेराइटीज़ ट्राई नहीं कर पाए, हमने मोजरेला लोडेड किया था, चिकन वाला किया था। तो आप लोग जाइए दूसरे वाले वेराइटीज़ को भी ट्राई कीजिए। तो और एक बात है, यहाँ पे चिकन दम बिरयानी भी आपको मिलेगा, लेकिन वो आफ्टरनून में मिल जाएगा 12 o'clock के बाद, और यहीं पे ही मिलता है, और ये ओनली 100 rupees का मिलेगा आपको। और जैसे कि मैंने बताया, ये कैंपस 2 सोआ यूनिवर्सिटी के सामने ही आपको मिल जाएगा। ऐसे ही स्टॉल आपको देखने के लिए मिलेगा बॉम्बे फ्रेंच फ्राइज करके, और ये था इनका चिकन दम बिरयानी। भीड़ तो आपको दिख ही रहा होगा कि कितने भीड़ हो रहा है, स्टूडेंट्स आ रहे हैं, ग्रुप में फ्रेंड्स आ रहे हैं, बाहर से भी लोग कॉल करके यहाँ पे आते हैं। तो इस भीड़ का मौका देखते ही हमने कस्टमर रिव्यू लेना स्टार्ट कर दिया। तो चलिए सुनते हैं कि कस्टमर का रिव्यू क्या है यहाँ के फ्रेंच फ्राइज के बारे में। नाम बता दीजिए पहले मैम। रुत्वी पानीग्राही। तो आप कहाँ से हैं? उड़ीसा से जी। यहाँ पे सब में स्टूडेंट है कि क्या है? जी MBBS कर रहे हैं। अच्छा, तो फिर आज आपने क्या ऑर्डर किया है? मोज़रेला लोडेड फ्राइज नॉनवेज। कैसा है टेस्ट? बहुत ज़्यादा अच्छा है, बहुत टेस्टी है। तो पहली बार ट्राई कर रहे हैं कि पहले भी आए? पहली बार जी। तो वेज का भी ट्राई किया है यहाँ पे? फर्स्ट टाइम आज नॉन वेज? नहीं, वेज नहीं ट्राई किया, नॉन वेज ही ट्राई किया बस। लेकिन प्राइस के हिसाब से काफ़ी अच्छा है यहाँ पे। और फ्रेंच फ्राइज के इतने सारे वेराइटीज भुवनेश्वर में कहीं आपको मिला है पहले? नहीं, ये पहली बार है। जी ठीक है, थैंक यू। मैम आपका नाम भी बता दीजिए। दिव्या। तो आपको कैसा लगा टेस्ट? हाँ बहुत अच्छा है, बहुत यम्मी है। थैंक यू। सो मैम आपका नाम बताइए। My name is Aloka Nanda. तो यहाँ पे आप रेगुलर कस्टमर हो? ओके, वी आर स्टूडेंट्स फ्रॉम सम हॉस्पिटल एंड वी कम हियर एवरी इवनिंग एंड दीज पीपल सर्व रियली गुड फ्रेंच फ्राइज। या तो आज आपने क्या ऑर्डर किया है? आज टुडे वी ऑर्डर्ड सम बेजिल पेस्टो, लाइक चिकन बेजिल पेस्टो फ्रेंच फ्राइज। क्या क्या यहाँ पे ट्राई कर चुके हैं ऑलरेडी? इधर फ्रेंच फ्राइज वी हैव ट्राइड पेरी पेरी फ्राइज, बेजिल पेस्टो एंड बारबेक्यू फ्रेंच फ्राइज। तो सबका टेस्ट अच्छा है? या दे टेस्ट रियली गुड। तो आज मतलब ये फर्स्ट टाइम है कि ऑलरेडी टेस्ट कर चुके हैं? नहीं नहीं, वी आर लाइक दिस इज वन ऑफ आवर फेवरेट्स बेजिल पेस्टो। या ओके फिर, थैंक यू। तो कस्टमर से तो आपने रिव्यू सुन ही लिया, यहाँ पे रेगुलर कस्टमर भी है और जो भी फर्स्ट टाइम आता है दोबारा से भी आता है। तो लोकेशन भी आपने देख ही लिया और सारे फ्रेंच फ्राइज का वेराइटीज़ भी आपने देख लिया। तो देर किस बात की, आप लोग यहाँ पे जल्दी से आइए और फ्रेंच फ्राइज ट्राई कीजिए, मेरे साथ अपना एक्सपीरियंस ज़रूर शेयर कीजिए। लेकिन उससे पहले प्लीज़ 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 मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिए गाइस, आपका सपोर्ट मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। कर दो यार सब्सक्राइब, एक सब्सक्राइब तो है, प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए एंड लाइक कीजिए। एंड आई होप कि ये वीडियो आप सबको अच्छा लगा हो। तो फिर द नेक्स्ट वीडियो, स्टे ट्यून्ड, टिल देन बाय।